सो एघात वाट छ वेलकम ब्याक टु द न्यू भिडियो छ. आज पनि मसँग फ्री फायर गेमिङ कम्युनिटीसँग रिलेटेड एकदमै इम्पोर्टेन्ट एन्ड इन्ट्रेस्टिङ न्युज एन्ड अपडेटहरू रहेको छ होइन. त्यसैले चाहिँ भिडियोलाई एन्डसम्म हेर्नुहोला. आजकल चाहिँ म युट्युबमा रेगुलर हुन पाइरहेको छैन, आफ्नो पर्सनल काममा बिजी भएको कारणले गर्दाखेरि एक हप्तादेखि त मैले युट्युब पनि राम्रोसँग खोलेको छैन कि होइन. सो त्यही भएर चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई अपडेट दिन पाइरहेको थिएन. सो आइएम रियली सरी भन्न चाहन्छु, अब चाहिँ रेगुलर हुने ट्राई गर्छु. आजको फर्स्ट अपडेट रहेको छ हाम्रो टिजिआर एनआरजेडबाट. सो रिसेन्टली तपाईँहरूलाई थाहा नै छ होला, केही टाइम अगाडि चाहिँ गेममा अपडेट आएको थियो होइन. सो अपडेटको बारेमा चाहिँ उहाँको साथीले टिममेटले चाहिँ रियाक्ट गर्नुभएको थियो होइन. सो उहाँले चाहिँ गेममा के इम्प्रुभमेन्ट ल्याउँदाखेरि चाहिँ गेम राम्रो हुन्छ भनेर चाहिँ हल्का केही कुराहरू भन्नुभएको छ. ये सब तो पुराना वाला ही ठीक था, इस सब में कंप्लेन नहीं है भाई. गेम ठीक करो, थोड़ा चैलेंजिंग बनाओ, ये आलतू फालतू स्किल हटाओ, ये ग्लिचेस हटाओ, हैकर्स को बैन करो, पैनल यूजर को बैन करो. अरे नहीं, फिर तो जारा कैसे खेलेगी? क्या बोल रहे जारा? ना बेटर भी सोचती है न्यू प्लेयर के लिए ना, लाइक कैसे न्यू प्लेयर हो करे वही उसी बारे में सोचती है, लाइक ओल्ड प्लेयर के केरे नहीं करती. यदि तपाईँहरू गेममा टपअप गर्न चाहनुहुन्छ तर तपाईँले ट्रस्टेड सेलर पाइराख्नु भएको छैन या त तपाईँहरूले चाहिँ एकदमै सस्तोमा बेच्ने मान्छे पाइराख्नु भएको छैन भने चाहिँ तपाईँहरूले मलाई डाइरेक्टली कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ होइन. फेसबुक पेजमा मैले डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क राखिदिएको छु होइन, तपाईँहरू डाइरेक्टली मलाई मेसेज गरिदिनु होला. म चाहिँ तपाईँहरूलाई स्क्रिनमा भएको लिस्टमा टपअप गरिदिनेछु है त. सबैजना मेसेज गर्नुहोला, स्क्यामबाट चाहिँ बस्नुहोला है त. सो यस गाइज, रिसेन्टली मैले तपाईँहरूलाई भनि नै हालेँ हाम्रो केही दिन अगाडि चाहिँ गेममा अपडेट आएको थियो भनेर होइन. सो अभिषेक वाइटीलाई चाहिँ यो अपडेट कस्तो लाग्यो त होइन, उहाँलाई चाहिँ के कुरा मन पर्यो त यो अपडेटमा होइन. सो यसको बारेमा चाहिँ उहाँले केही कुराहरू भन्नुभएको छ, अगाडि आफै हेर्न सक्नुहुनेछ. नहीं होता है ना, उधर देखो ना, नहीं आपका, अरे बेस अपग्रेडर से भी नहीं हो रहा है. नहीं ना, वो आपका शील्ड है ना, शील्ड बढ़ता है उसमें. अरे फिर भी तो 200 एचपी है, मतलब हेड 200 का लगेगा तो मर ही जाएगा, वो तो बाद में बढ़ता है एचपी. ईशान एक बार चेक कर गाइस, ये चीज मेरे को बड़ा अच्छा लगा गाइस, बड़ा एकदम चुम्मा देने वाला. बढ़ता है लेकिन वो उसके हिसाब से बढ़ रहा है ना ईशान, जैसे कि हमारा एंटेनियो देता था पहले एचपी एक्स्ट्रा, नहीं अलग ही, मतलब शील्ड के हिसाब से दे रहे हैं ना एचपी. ये चीज मेरे को बढ़िया लगा गाइस, गेम का चुप्पा देने का मन किया ये देख के गाइस, ये वाला अपडेट देख के गेम को चुप्पा देने का मन किया गाइस. 200 एचपी से नहीं बढ़ रहा है गाइस, इसलिए उठपी कर का भी 100 पे बंदा मर रहा है गाइस. यसै गरी अभिषेक वाइटीले कम्प्लिट गर्नुभएको छ 5 मिलियन सब्सक्राइबर र लाका गेमिङले कम्प्लिट गर्नुभएको छ 9 मिलियन सब्सक्राइबर. सो मेनी कङ्ग्रेचुलेसन टु बोथ अफ देम फर दिस बिगेस्ट माइल स्टोन. टोन्डे गेमरले यसपालिको सिजनमा पनि ऱ्याङ्क पुस चाहिँ गर्नु हुँदैन अरे होइन. सो उहाँले अर्को सिजनमा ऱ्याङ्क पुस गर्न सक्नुहुने यस्तो कुराहरू गर्नुभएको छ र आफ्नो अडियन्सहरूलाई पनि के गर्ने भनेर रिक्वेस्ट गर्नुभएको छ होइन भन्नको लागि. सो तपाईँहरू यसको बारेमा के भन्नुहुन्छ होइन. सो उहाँले के भन्नुभएको छ तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुनेछ ऱ्याङ्क पुसको बारेमा. लुक ब्याक गर्ने के, जब मैंने रैंक पुश किया था अभी के टाइम पे तो मैं रैंक पुश कर नहीं पा रहा हूँ उस काम की वजह से. बहुत सारी चीज़ें हो गया लाइफ में अभी के टाइम पे, बट कुछ टाइम के बाद में मैं कम बैक करने वाला हूँ रैंक पुश में. देखो मैंने जब रैंक पुश किया था 1,10,000 स्कोर था, सेकेंड वाला बंदे से 10,000 ज़्यादा स्कोर था भाई उस टाइम. और उतना ही नहीं, प्रोफाइल विजिटर देख सकते हो 1,14,000 है क्या, 14,92,583 है भाई साहब, 1 मिलियन से ज़्यादा प्रोफाइल विजिटर्स. वहाँ पर ये तो मैंने भी नोटिस नहीं किया. और गिल्ड देख सकते हो, नेपाल का टॉप 1 गिल्ड था. और इतना ही नहीं, रुको मेरा गेम इधर फ्रीज हो गया था उस टाइम. मैं रिकॉर्डिंग एक मेमोरी के लिए रिकॉर्ड करके रख रहा था, आज आके ये मेमोरी को मैं डाल रहा हूँ यूट्यूब पे, आप लोग देख पाओगे ठीक है. जिन्होंने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना अब. और मेरे को बताओ कमेंट सेक्शन में, क्या मेरे को रैंक पुश में वापस आना चाहिए, रैंक पुश करना चाहिए, टॉप 1 के लिए ट्राई करना चाहिए या पुश करते हुए लाइव करना चाहिए, बताओ कमेंट सेक्शन में. पहले हम लोग कर रहे थे, फिर जब हम ज्ञान भाई
है, हम लोग गए थे तो एक्सीडेंट वगैरह ऐसा हो गया, फिर उसके बाद में हमने सोचे थे ज्ञान भाई में आयुष भाई वहाँ घूम के वापस आने के बाद में लाइव वगैरह करेंगे, बट क्या ही कर सकते हैं यार दोस्तों, मतलब जो हम लोग जिस तरीके से हम कुछ चीज़ें सोचे होते हैं उस तरीके से कुछ नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट अपडेट रहेको छ हाम्रो ज्ञान गेमिङबाट। सो ज्ञान गेमिङले चाहिँ नयाँ गेमिङ सेटअप बनाउनु भएको रहेछ, जुन कि उहाँको गर्लफ्रेन्ड प्रियङ्का भ्लग्सले चाहिँ रिभिल गर्नुभएको छ होइन, छोटो मिठो क्लिपहरू। सो तपाईँहरू पनि छोटो क्लिप अगाडि स्क्रिनमा हेरेर इन्जोय गर्न सक्नुहुनेछ उहाँको सेटअप। बाप रे, पुरा सेटअप रेडी। स्वागत है आप लोगों की ज्ञान गेमिंग में। ओह माय गॉड, कितना अच्छा लग रहा है। तो कैसा लग रहा है बताओ? बहुत अच्छा लग रहा है। पहले कैसा था, अभी कैसा है? अभी थोड़ा ज्यादा अच्छा लग रहा है। हाँ। गया ले। कुछ ना कुछ गड़बड़ी ये करते रहते, और इसको देखो ये भी आ रहा है। टूटेगा तभी तो नया आएगा, क्या रही हो? ओह माय गॉड, ये कितना अच्छा लग रहा है, इतना मस्त लग रहा है, मैं क्या ही बताऊं। तो गाइस सब लोग कमेंट करके बताना कि ज्ञान का न्यू सेटअप कैसा लग रहा है। मुझे तो मस्त लग रहा है, सच में बहुत अच्छा लग रहा है। और पता है, मैं अगर पीछे इधर वो प्ले बटन वगैरह लगा दूंगी ना तो और भी अच्छा लगेगा, है ना? हाँ। बहुत अच्छा लग रहा है। तो तुम दिखाओ तुम क्या क्या खरीदे हो नया नया। ये खरीदा हूँ बॉक्स, ये वाला बॉक्स देख रहे हो, इसमें साउंड चेंज होता है, साउंड चेंज होता है। ये वाला खरीदा हूँ, और माउस लिया हूँ, इसके अंदर दो मदरबोर्ड, फिर तुम्हारी रैम, ग्राफिक्स कार्ड, सब कुछ नया है। ओ भाई, लाइट तो राइस्टर ने दिया है, और हेडफोन जो पहने हो वो, ओ हाँ राइस्टर ने। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है, मुझे अभी मन कर रहा है स्ट्रीम करूँ, इतना अच्छा लग रहा है। ये देखो, इसको देखो, और इसको देखो, ये मैंने सुजन को दिया है, ये ना ये देखो ऊपर में ऐसा होता है। मैं ये बोल रही हूँ कि तुम तो लाइव स्ट्रीम में आने वाले हो, लेकिन उससे पहले तुम्हारा फैंस लोग जितने हैं उन लोगों के लिए थोड़ा सा इंट्रो दे दो, उधर देख के इधर नहीं, जैसे तुम लाइव स्ट्रीम पे आने वाले हो, तब मतलब जैसे तुम लाइव स्ट्रीम करने वाले हो ऐसे। तो हेलो हेलो वाले, तो कैसे हो आप लोग, स्वागत है आप लोगों की ज्ञान गेम। तो गाइस कैसे हो आप लोग, होप कर आप लोग अच्छे होंगे और पहनते रहो सेम कच्चे होंगे। ओह माय गॉड, आप लोगों ने बहुत मिस किया ये, तो बहुत जल्दी सुजन लाइव में आने वाला है। बट सच कहूं मैं गेमर नहीं हूं और मुझे कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है इसमें। मुझे ये इतना अच्छा लग रहा है, मुझे मन कर रहा है इसको उठा दूं, बट या इट्स ओके, मुझे इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है, मतलब थोड़ा सा अब वाइब आ रहा है कि हाँ एक गेमर की रूम में आ गई हूँ मैं। और बहुत जल्दी हम लोग के घर में गणपति बप्पा का पूजा होने वाला है, उसका भी ब्लॉग आएगा। केही दिन अगाडि हाम्रो युजी आयुष सुनिता दिदी लगायत अरू थुप्रै युट्युबरहरूले चाहिँ अक्षय कुमारलाई भेट्नु भएको छ होइन, जुन कि तपाईँले स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। र हाम्रो अमित भाइ चाहिँ एक दुई दिन अगाडि चाहिँ नेपाल आउनु भएको रहेछ, उहाँले चाहिँ हेलो नेपाल भनेर स्टोरी हाल्नु भएको छ। सो एज गाइज, भिडियो मन पर्यो भने चाहिँ कृपया लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला। र गाइज, अहिलेसम्म तपाईँले मलाई इन्स्टाग्राममा फलो गर्नुभएको छैन भने चाहिँ प्लिज गाइज इन्स्टाग्राममा पनि फलो गरिदिनु होला होइन, म त्यहाँ चाहिँ होइन आफ्नो लाइफ अपडेट दिइरहनेछु होइन। सो आजको लागि यति नै, टिल एन टेक केयर, बाय बाय, जय नेपाल।